मुजफ्फरपुर के साथ साथ समस्तीपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, मधुबनी जैसे जिला के लोगों को नई दिल्ली जाने के लिए मिलेगी एक नई राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन के तर्ज पर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन। आइए जानते हैं यह कौन सी ट्रेन होगी और इस ट्रेन का संचालन कब से देखने को मिलेगा। वीडियो में बढ़े आगे उससे पहले हमारे चैनल को नहीं किए सब्सक्राइब तो कर लें सब्सक्राइब। यदि आप बिहार से सफ़र करके दिल्ली जाना चाहते हैं या फिर दिल्ली से सफ़र करके बिहार आना चाहते हैं तो दोनों ही दिशाओं में आपको एक नई ट्रेन देखने को मिलेगी। हालांकि यह कोई नई ट्रेन नहीं है, इनका संचालन पहले भी होता था और अब भी हो रहा है। फिलहाल यह ट्रेन बिहार के राजधानी पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल से चलती है जो कि नई दिल्ली के बीच चलती है। हम बात कर रहे हैं संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में। दरअसल इसी ट्रेन को लेकर के एक्सटेंशन की बात निकल के सामने आई है और जैसा कि रेलवे की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि कुछ पैसेंजर और साथ ही कुछ रेल मंडल के बड़े अधिकारी इस ट्रेन को एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं और इस पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि इस ट्रेन का एक्सटेंशन मुजफ्फरपुर तक होना चाहिए, क्योंकि मुजफ्फरपुर तक इस ट्रेन का एक्सटेंशन हो जाने के बाद करीब करीब 8 जिला को इस ट्रेन का सुविधा मिल पाएगा। ऐसे में इस ट्रेन का एक्सटेंशन को लेकर के आने वाले कुछ दिनों में यह फैसला हो ही जाएगा कि यह ट्रेन आखिर कब से मुजफ्फरपुर से चलेगी। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर के साथ साथ समस्तीपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, मधुबनी जैसे जिला के लोगों को नई दिल्ली के लिए एक और नई सुपरफास्ट ट्रेन मिल जाएगी, जहां से कि वेटिंग लिस्ट को कम किया जा सकेगा और समस्तीपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, नई दिल्ली रेलखंड पर देश की राजधानी के लिए कई ट्रेनें चलती है। यदि किसी को संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन से यात्रा करनी होती है तो उन्हें पटना आना पड़ता है। ऐसे में यदि इस ट्रेन का एक्सटेंशन मुजफ्फरपुर तक हो जाए तो दिल्ली जाने वाले यात्रियों को पटना आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे में देखते हैं कि आखिर रेलवे की ओर से क्या बड़ा फैसला निकल के सामने आता है। इसके साथ ही हमारे चैनल को नहीं किए सब्सक्राइब तो कर लें सब्सक्राइब आने वाली नई ट्रेनों का अपडेट के लिए।